इस शहर में कुछ लोग एक ऐसा काम कर रहे हैं जो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है। मैं जिस काम की बात कर रहा हूं वो काम ये औरत भी करती है। वो रोज चार गाय और घास लेकर इस मंदिर के पास आती है, फिर यहां बैठकर वो लोगों को घास बेचती है, क्योंकि गाय को पवित्र और उसे घास खिलाना पुण्य का काम माना जाता है। बहुत सारे लोग औरत से थोड़ा सा घास खरीदते हैं और बाजू में खड़ी इन गायों को खिलाते हैं। अब अगर आप ध्यान से सोचें तो यह औरत का काम एक बेहतरीन बिजनेस मॉडल है। चारों गाय उसकी है, घास भी उसका है और गायों को घास खिलाने की जिम्मेदारी भी उसी की है, लेकिन वो अपना काम दूसरों से करवा रही है और ऊपर से पैसे भी कमा रही है। इन गायों से मिलने वाले दूध से भी उसी का फायदा होता है। तो बड़ी समझदारी से उसने अपनी जिम्मेदारी को पैसे कमाने के एक तरीके में तब्दील कर दिया है। अब ऐसा भी नहीं कह सकते कि वो लोगों को बेवकूफ बना रही है। लोग घास खरीद कर गायों को खिलाने के लिए राजी हैं, क्योंकि मुंबई जैसे महानगर में उन्हें यह पुण्य का काम करने को मिल रहा है। लोग पुण्य कमाकर खुश हैं और ये औरत कुछ पैसे कमाकर। इट्स म्यूचुअल बेनिफिट।